हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको जो यूपी एएसआई में जो टाइपिंग मिली है, वो टाइपिंग बहुत लोग के मेरे मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो बहुत सारे लोग इंक्वायरी आने लगी कि आप बताइए कि जो मंगल स्क्रिप्ट पेज पे जो टाइपिंग करते हैं, उस टाइपिंग के लिए जो 77 लेसन है, वो लेसन कौन सी वेबसाइट पे है। तो मैं आपको नीचे एक लिंक, इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। अब लोग इंक्वायरी थी कि वो लोग मुझसे पूछे थे कि उनका 1.5 महीने में क्या टाइपिंग कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बताऊँ, मैं बहकाने में तो नहीं लगूंगा, ना मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा, बट फैक्ट वाली बात यह है कि 1.5 महीना बहुत ही कम समय है हिंदी को टाइपिंग सीखने के लिए। बट अगर आप अच्छी लगन से, अच्छे प्रैक्टिस से, आप पूरे पूरे दिन पूरी रात अगर आप टाइपिंग कीजिएगा, तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि इसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने घर पे, लैपटॉप पे जब कोई चीज़ टाइपिंग करते हैं, मोबाइल पे टाइप सॉरी मोबाइल कह रहा हूँ लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे टाइप करते हैं, तो आपके कीबोर्ड पे आपके हाथ बैठे हुए होते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि हम वहाँ पे भी जाके टाइपिंग परफॉर्म कर लेंगे, बट वहाँ पे जरा सा भी उल्टा सीधा हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ गाइस, मैं ये बोलूँगा कि आप लोग हमेशा ईजी जो कंटेंट होता है उसको मत लीजिए, हमेशा डिफिकल्ट कंटेंट पे ही आप लोग टाइप कीजिए। लोग डिफिकल्ट कंटेंट पे टाइप कीजिएगा तो आपका जो टाइपिंग होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी आपकी टाइपिंग में, और जो डिफरेंट वर्ड होंगे वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और गाइस, जो लोग इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप वर्ड याद करके रखेंगे तब आपको बार बार अपने डिस्प्ले पे वर्ड को देखना नहीं पड़ेगा। आपको वर्ड याद रहेगा तो आप तेज़ी में टाइप कर पाएंगे, पर अगर आपको वर्ड याद नहीं रहेगा तो तेज़ी में टाइप नहीं कर पाएंगे। बहुत तो अच्छा एग्जाम्पल यह है कि अगर आपको विच के स्पेलिंग नहीं आती तो आप उसको टाइप करने में काफ़ी टाइम लगाएंगे, बट अगर आपको विच के स्पेलिंग आती है तो आप एकदम ईजी तरीके से बहुत तेज़ी में टाइप कर लेंगे। यही सारा कंप्यूटर का खेल होता है। दूसरा गाइस, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, शॉर्ट्स कॉमे होते हैं, या जो इसके बाद गाइस जो दूसरी चीज़ है, जो आपके सिंबल्स होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो आपके छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, एट द रेट होता है, इन सब सिंबल्स को आप लोग जरूरी से याद कर ले, क्योंकि हो सकता है आपकी टाइपिंग में ऐसे सिंबल्स आ जाएं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। तो अगर आप ये सिंबल याद करके रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर जो तीसरी चीज़ है टाइपिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप लोग मैकेनिकल कीवर्ड ले लीजिए। मे भी बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये टर्म सुना होगा मैकेनिकल कीवर्ड, बट मैकेनिकल कीवर्ड अगर आप ले लेंगे तो उसमें जो आप टाइपिंग करेंगे उसका जो स्पीड होगा, उसमें जो मज़ा होगा, वो मज़ा आपका बहुत अच्छा मिलेगा और आपका हाथ एकदम बैठ जाएगा। जो अच्छे प्रोफेशनल टाइपर्स होते हैं वो कीवर्ड ही यूज करते हैं, बट उसका रेट थोड़ा सा हाई होता है। तो आप लोग का अगर बजट अच्छा है तो प्लीज मैकेनिकल कीवर्ड पे टाइपिंग कीजिए, आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। जो एक्चुअल में जो हार्डकोर कोड जो हार्डकोर कोडर होते हैं वो लोग मैकेनिकल कीवर्ड पे ही टाइप करते हैं, और आप उसके अंदर जो आपकी स्पीड बनेगी वो गजब की स्पीड बनेगी। और कई बार क्या होता है, इस वाले टाइपर में आप ये दबाते हैं दब कुछ और जाता है, उसमें बहुत सब नहीं होगा, बड़ा ही आप स्मूथली चला सकते हैं। बट अगेन, आप अपना बजट, अपने माँ बाप का पैसा, सब कुछ देख के खर्च कीजिएगा, क्योंकि देखिए पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसा उड़ाने में 5 मिनट नहीं लगता। अपने पेरेंट्स से फोर्स कीजिए वो दिलवा देंगे, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। और हाँ, एक और चीज़ है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी बंदे को पैसा कमाना है टाइपिंग के थ्रू, तो प्लीज़ मैं नीचे एक फॉर्म भर दूंगा, एक फॉर्म दे दूंगा, उस फॉर्म में आप लोग भर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो आप टाइप कीजिएगा उस कंटेंट के थ्रू आप पैसा भी कमा लेंगे। तो ये भी चीज़ है। हालांकि मैं एडवाइस उन्हीं लोगों को करूंगा जो लोग गाजियाबाद, दिल्ली, NCR के आसपास रहते हों, वही लोग इस फॉर्म को फिल करें, ज़्यादा दूर लोगों को मैं नहीं करूंगा। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जितनों ने फॉर्म फिल किया उन सभी को मैं बोलूंगा, उन सभी को मैं अप्रोच करूंगा, बट ज़्यादातर लोगों को जिनको घर में फाइनेंशियली दिक्कत है और वो लोग अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस करते करते कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, आपका टाइपिंग भी होगा, साथ में पैसा भी कमा लेंगे। इसके लिए प्लीज़ नीचे मैं फॉर्म दे दूंगा, या फिर जो भी हो इंटरेस्टेड करके नीचे डालना, मैं शायद फॉर्म को दे दूं, तो आप लोग प्लीज़ उस फॉर्म को भर लीजिएगा, या इस वाले सेक्शन पे नीचे अबाउट सेक्शन, अबाउट में मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल पे प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए। मैं को लगेगा कि आपसे काम कराना, मैं आपको जरूर आपको फॉलोअप करूंगा और आपसे मैं काम करवाऊंगा, उसके बदले आपको पैसे भी मिलेगा, आपका टाइपिंग भी हो जाएगा। तो गाइस, यही चीज़ें। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, कीप टाइपिंग, और अपने आप इस चीज़ों को जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम को आप जरूर क्वालिफाई करें। यही चीज़ें, थैंक यू सो मच।